दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों आज का ब्लॉग यार बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा यार कि मेरे घर में अभी तक कार नहीं था। आपको पता है कि यार मेरी जो भी अर्निंग होती है सब कुछ यूट्यूब से ही आता है। तो यार आज यार यूट्यूब की मनी से, यार यूट्यूब के पैसों से आज मैं अपने घर का पहला कार लेने जा रहा हूँ। तो यार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग। कौन सी कार है सब कुछ अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। और अभी आप देख रहे हो कि मैं अभी कहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको मैं पूरा दिखा दूँ। ये मेरा स्टूडियो यार, अभी देख सकते हो मैं ही सो भी जाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा पूरा स्टूडियो है और पूरा आपको स्टूडियो टूर एक दे दूंगा, अच्छे से दिखा दूंगा कि कैसा स्टूडियो है और बाहर साइड में भी ये सब कुछ है, ठीक है। मैं आपको एक बार अच्छे से सब दिखा दूंगा, पूरा स्टूडियो टूर आपको दे दूंगा, ठीक है। तो यार आज जाना है यार हम लोग को कार लेने के लिए, ठीक है। वहाँ से फोन आ गया था तो मैं सोच रहा हूँ कि यार हम लोग जो जाएंगे ना तो यार अपनी अम्मी को भी लेके जाऊँगा साथ में, थोड़ा अच्छा लगेगा ना यार। घर का मतलब जो पहला कार है तो अच्छा लगेगा यार, अम्मी भी साथ में रहेगी। तो बस यार स्टूडियो से हम निकलते हैं, सारा बटन ऑफ करते हैं और नीचे देखते हैं अम्मी क्या करे, तैयार हो गई या नहीं हो गई, और फिर निकलते हैं घर से। मैं आपको साथ साथ दोस्तों अपना थोड़ा सा आपको मैं अपना घर भी दिखा देता हूँ जो कि पूरा YouTube के पैसों से कमा कर ही बनाया गया है। ये ऊपर एक स्टूडियो है, अंदर का आपको टूर अच्छे से दूंगा, ठीक है। ये छत है आप देख सकते हो और यहाँ से मैं नीचे उतर रहा हूँ और ये सीढ़ी कुछ इस तरीके से, ठीक। तो अभी नीचे का आपको दिखा दूँ, ये सबसे ऊपर वाला फ्लोर है और यहाँ पर ये एक हॉल टाइप आपको मिल जाता है यहाँ पर, और ये पूरा एक बेडरूम है। अभी पेंट का काम स्टार्ट होने वाला है तो सारे जो भी यहाँ पर जो भी सामान थे सबको ढक दिया गया है यहाँ पर। ये बाथरूम हो गया और यहाँ पर एक और रूम है, देख सकते हैं यहाँ पर अभी पेंट का काम चल रहा है, साथ में एक बाथरूम अटैच है। और ये बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो हमारे बालकनी का, ये बालकनी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ से सामने से पूरा ये दिखता है आपको कुछ इस तरीके से। नीचे सब लोग खड़े हैं यहाँ पर और आप देख सकते हो यहाँ पर इधर से भी एक रास्ता मिल जाता है, यहाँ से अंदर जा सकते हैं, प्लस यहाँ से इधर भी आपको एक बालकनी मिल जाता है। यहाँ पर मैं कुछ दिखा देता हूँ इस साइड में, देख सकते हो कुछ इस तरीके से, मतलब कॉर्नर का घर है ये। और अब चलते हैं एक इसी तरीके का सेम नीचे भी है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये जो दोनों फ्लोर अभी बना है ना यार, ये सब मतलब पूरा यूट्यूब के पैसों से ही बना हुआ है। नीचे का भी सारा काम यूट्यूब के पैसों से ही हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत से लोग ये समझते हैं यार कि यूट्यूब पर उतने पैसे नहीं है, लेकिन देख सकते हो आप ये यूट्यूब के पैसों से मतलब ये सारा चीज़ हमने बनवा रखा है। देख सकते हो मॉड्यूलर किचन बनाया, अभी पूरा गंदा पड़ा हुआ है, सफाई नहीं हुई है, देख सकते हो कुछ इस तरीके का। सब मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा, सब अच्छे से दिखा दूंगा, ठीक। और अभी ये भी एक रूम यहाँ पे मिल जाता है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, साथ में एक बाथरूम भी है। सब मैं भी आपको दिखाऊँगा, अभी काम चल रहा है, अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ है, ठीक। और यहाँ से ये बंद है, अभी देख सकते हो अभी कुछ भी कम्प्लीट नहीं हुआ है, सब आधे अधूरे में ही है। सेम जैसे ऊपर था वैसे यहाँ पर नीचे भी है, इस तरीके से बाथरूम हो जाता है, वहाँ पे बालकनी आ जाती है, ठीक। अब चलते हैं नीचे, तो ये देख सकते हो हम नीचे आ गए। तो ये भैया यहाँ पे टाइल्स लगा रहे हैं, पूरा टाइल्स का काम चल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे टाइल्स वगैरह लग रहा है, ठीक है। और ये नीचे का रूम है हमारा, मैं आपको किचन दिखा दूँ। ये सभी दरवाज़ा नया नया बनवाया है हमने, ये कुछ नीचे का किचन है, मॉडुलर टाइप का छोटा सा किचन है। ये एक रूम आ जाता है यहाँ पर, ये अम्मी है हमारी, जानते होंगे, ये हमारी बहन है हमारी, ठीक। ये अम्मी को लेकर जाऊंगा साथ में। और ये बगल में रूम मिल जाता है, ये मेरी भाभी है, ये हमारी बुआ रहेंगी सामने का अलमारी, ठीक। और एक ये बाहर का रूम मिल जाता है यहाँ देख सकते हो, ठीक। और ये रास्ता बाहर जाने का, ठीक। यही मतलब जो है ना, यही एक मिनट में लाइट जाना, यही मतलब एक छोटा सा हमारा घर है। पहले बस एक फ्लोर ही था, अभी दो फ्लोर और बन गए हैं तो तीन फ्लोर टोटल हो गया हमारे पास। बस अब निकलते हैं, अभी तैयार होने वाली निकल जाती, फिर चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि कौन सी कार है जो हम लोग अपने YouTube के पैसे से खरीदने वाले। और यार ज़्यादा महंगा कार नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा सस्ता ही कार ले रहा हूँ, तकरीबन 15-16 लाख के बीच का ही कार है। और ज़्यादा महंगा इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अभी से हमें चलाना खुद भी नहीं आता है, तो मैं अभी खुद सीखने वाला हूँ। जब सीख होकर लेंगे यार उसके बाद आगे देखा जाएगा यार, ऊपर वाला दिए तो कोई अच्छा कार लेंगे, ठीक है। तो बस अम्मी तैयार हो जाती, फिर हम निकलते हैं यहाँ से। तो चलते हैं दोस्तों, हम बाहर निकल गए और ये है थोड़ा सा पीछे का पोर्शन से, तो हर जगह सिर्फ काम ही काम चल रहा है घर पर। और जो हमारा घर है वो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, देख सकते कुछ तरीके से। ये मेरे दोस्त की कार है, आ गई है, अम्मी अंदर बैठ गई है और ये बड़ा भाई है। बस दोस्तों हम लोग यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं सीधे शोरूम पर और फिर यहाँ से वहाँ मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों यार हम लोग पहुँच चुके हैं किया का शोरूम, देख सकते हैं आप किया का शोरूम, ठीक है। और यहाँ पर पहले से छोटू वासी सवा रखे हैं। बस अंदर चलते हैं शोरूम के अंदर और कार लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस चलते
हैं यार, पूरा कार वार देख सकते हो, पूरा सज गया है। ठीक है, अब ओपनिंग करते हैं कार की, और यहाँ पे अम्मी है। आओ चलो चलते हैं, चलो। सही है यार, चला तो लिए, चला लिए। क्या कह रहे हैं? तो गाइस यार, आज अपने लाइफ में पहली बार कार चलाया, और वो भी सीधे शोरूम से बाहर निकाला हूँ, और साथ में मेरी अम्मी बैठी हुई है। कैसा लग रहा है अम्मी? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है ना? यार वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। देख सकते हो यहाँ पर यार, IMT कार है ये, मतलब इसमें क्लच नहीं है, सिर्फ एक्सेलेटर है, ब्रेक है। और पहली बार कार चलाया यार, बहुत अच्छा लगा। और मेरे सारे दोस्त भी आए हुए हैं, देख सकते हो, बहुत से दोस्त मेरे यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि यार एक समझ सकते हो ना, हम लोग घर का भी कार था नहीं, पहली बार आया, तो थोड़ा सा खुशी है, तो सारे खुशी में शामिल होने आए बस। तो फाइनली दोस्तों यार, हम लोग कार ले लिए हैं, और आप कार देख सकते हो, ये है हमारी कार, आपको मैं दिखा दूँ अच्छे से एक बार। देख सकते हो मेरी मम्मी अंदर बैठी हुई है, ये है कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये आपको सोनेट का, ये टॉप सेकेंड मॉडल है सोनेट का, तकरीबन हमको 14 लाख के आसपास पड़ गया ये। ठीक है, और बस अभी तो आपको पता ही यार कि मैं भी इसे चला नहीं पाता हूँ, सीख ही रहा हूँ। ठीक है, खुशी इस बात की यार कि आज पहली बार है, मतलब यार YouTube से कमा कर हम लोग कुछ अपने दम पे यार कार खरीदा, तो इसका अलग ही खुशी है। तो दोस्तों यार, फाइनली यार हम घर आ चुके हैं, आप देख सकते हो सामने घर दिख रहा होगा, और ये अपनी खुद की कार, और देख सकते हो यहाँ पर अम्मी है, पीछे भाई है, फरहान है। तो फाइनली दोस्तों, अभी हम घर पर आ चुके हैं, और ये हमारे मम्मी है, और ये देख सकते हो क्या कर रही है। कुछ होता होगा, मतलब ऐसा कुछ होता होगा, नई सामान आने पर ऐसा करते हैं लोग। तो पानी लेकर पहिए पे साथ कुछ डालेगी, या फिर सदका वदका निकाला जाता है, तो ये उपाय कर रही है। दादी, ए दादी, कार देख, कार देख, हाँ कार देख, ये मेरी दादी है, और उधर नानी है, नानी क्योंकि नानी से भी पूछते हैं कैसा लगा। ए नानी, गाड़ी देखी, गाड़ी गाड़ी देखी, अल्लाह कमाई में बरकत दे, आगे पड़े बढ़ल लोग, रो मत रो मत, एक जना अपन कमाई खा के चल जाइए। ये मेरी नानी है, हमर बाबू लोग, और ये मेरी दादी है, हाय दादी, ये मेरी दादी, दादी नानी दोनों भी हमारे पास ही हैं, आज सब लोग घर पे ही हैं। ठीक, और ये अम्मी है, देख सकते हैं ये सब खुशी सिर्फ गाड़ी लाने की वजह से हो रही है ये सब। यहाँ पर देख सकते हो यार, मिठाई लेकर अम्मी सबको बांट रही है।
इसका किस्मत देखो, हम जब पैदा हुए थे ताला ताजी कर ले तो चलिए दोस्तों यार इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मतलब ये ब्लॉग पूरा एक गाड़ी के लिए ही था कि हम लोगों ने एक गाड़ी खरीदा। आप लोगों ने देखा कितना खुश है घर वाले, क्योंकि यार हम लोग घर पे कभी कार थी नहीं, अपनी खुद की कार पहली बार आई है, तो बहुत अच्छा लगा यार देखकर, और सारे लोग भी बहुत घर में खुश हैं। तो चलिए दोस्तों आप पूछते हैं अपने मेरे घर के जो बच्चे हैं उनको कैसा लगा कार देखकर। क्या जी रनुआ, तुम्हें कार कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत। तुमको पसंद आया? अच्छा लगा। ये तो खुद बैठ कर आया उसके अंदर, फरहान है ये मेरा भतीजा है, ये मेरी भतीजी है और ये मेरी भांजी बहन की लड़की है। तो यार दोस्तों यार इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। हमको कभी कभी अफसोस नहीं होता है कि आज हम जिस तरह से घर बनवा दिए हैं, हमारे अब्बा होते तो क्या बोलते तो देख रहे हैं, पर महसूस होता है अम्मी थोड़ा सेंटी हो गई है क्योंकि यार अब्बू की याद आ रही है, कहा सब्बू होते तो कितना अच्छा होता, इसलिए थोड़ा सा ठीक है। अक्सर ये देखो इधर करो, हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय हाय अक्सर, हाय करो।